साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, हमें हमारे जीवन में वाहन सुख प्राप्त होगा अथवा नहीं, इन योगों के बारे में हम समझ रहे हैं। यह इस श्रृंखला का दूसरा भाग है। यदि आप पहला भाग देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे भी समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जीवन में हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा वाहन हो, अच्छी बाइक हो, लेकिन हम आखिर यह कैसे जाने कि हमारी जन्म पत्रिका में, हमारे भाग्य में वाहन सुख है अथवा नहीं। देखिए, हम बचत करते हैं कि अगले वर्ष गाड़ी लाएंगे, इस वर्ष दीपावली पर गाड़ी लाएंगे, उसके लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से वो खर्च हो जाते हैं या कोई योग नहीं बन पाता है। मैं इसीलिए आपको ये समझा रहा हूँ कि ताकि आप यह स्वयं समझ सकें कि आपकी जन्म पत्रिका में वाहन सुख है अथवा नहीं। इस एपिसोड से ठीक पहले वाले एपिसोड में, यानी कि पहले भाग में, हमने चतुर्थ भाव और शुक्र के संबंध के बारे में चर्चा की थी कि आखिर किस प्रकार से चतुर्थ भाव और शुक्र के संबंध से हमारी जन्म पत्रिका में वाहन सुख का योग बन पाता है। आज भी हम कुछ नए योगों के बारे में चर्चा करेंगे, आप अंत तक जुड़े रहें। यदि आप मेरे इस एपिसोड से पहली बार इस YouTube चैनल से जुड़े हैं और यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर पहले भाग से ही आप एपिसोड देखें, बहुत ही आसान भाषा में है, आपको बहुत आसानी से समझ आएंगे। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और ऑनलाइन बैच में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बैच भी चलते रहते हैं, आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सअप करके इसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे बहुत सपने होते हैं कि हम गाड़ी लाएंगे, अच्छी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हो, अच्छी बाइक हमारे पास होनी चाहिए, हम उसकी प्लानिंग भी करते हैं, हम किसी वाहन को खरीदने के लिए बचत भी करते हैं, लेकिन कोई अचानक से कोई समस्या आती है, पैसा खर्च हो जाता है या किसी भी कारण से परिवार में कोई कार्य आने से तो उसमें खर्चा हो जाता है तो वाहन नहीं ले पाते हैं, या किसी भी परिस्थिति से हमारा वाहन लेना नहीं हो पाता है। और कुछ लोगों के साथ क्या होता है, पैसा भी आता है, वाहन खरीद लेते हैं, हर छठे महीने में नया वाहन, तो ये भी कुछ ग्रहों के योग होते हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर हम हमारी पत्रिका में कैसे देखें कि हम हमारे जीवन में वाहन का आनंद ले पाएंगे अथवा नहीं। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, आइए कुछ योगों के बारे में समझते हैं। देखिए, इससे पहले वाले भाग में, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये समझा कि आखिर चतुर्थ भाव और शुक्र का संबंध किस प्रकार से बने जिससे कि हम हमारे जीवन में चौपहिया वाहन, दोपहिया वाहन का आनंद ले सकें। चतुर्थ भाव देखिए सुख सुविधाओं का भाव होता है, बहुत महत्वपूर्ण ये भाव है, और शुक्र का संबंध जो है ऐश्वर्य से है, सुख सुविधाओं से है। वाहन के कारक ग्रह हैं शुक्र, उसके संबंध चतुर्थ भाव और शुक्र का संबंध हमने पिछले वाले एपिसोड में समझा था, ठीक है। अब देखिए, चूंकि चतुर्थ भाव हमारी सुख सुविधाओं का भाव होता है, इस भाव में यदि कोई भी ग्रह उच्च का बैठा हो तो यह एक राजयोग होता है। मान लीजिए कि यहां चार नंबर लिखा हुआ है, यानी कर्क राशि है, और यहां बृहस्पति देव यदि बैठे हैं तो यह बहुत ही सुंदर राजयोग हो गया है। बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च क्या होते हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा है। यदि यहां पर 10 नंबर लिखा है, मान लीजिए कि यहां पर मकर राशि है, 10 नंबर पर मकर राशि आती है, ये 10 नंबर। इस भाव में यदि मंगल देव बैठे हो तो ये यहां उच्च के हो जाएंगे, और रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग भी यहां बनेगा, बहुत ही सुंदर संयोग है।
बहुत ही अच्छा यह योग है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यदि चतुर्थ भाव में कोई भी पंच महापुरुष राजयोग का कोई भी राजयोग बन रहा हो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। चाहे शुक्र जो है मालवीय राजयोग बना रहे हो, मालवीय राजयोग कैसे बनता है, शुक्र यदि अपनी स्वयं की राशि में या अपनी उच्च राशि में केंद्र के किसी भी भाव में हो, ये केंद्र भाव, पहला भाव, चौथा भाव, सातवें भाव और दसवें भाव में कहीं भी शुक्रदेव या तो अपनी स्वयं की राशि में हो या अपनी उच्च की राशि में हो तो ये मालवीय नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। ये भी ये चतुर्थ भाव में बन रहा हो तो बहुत अच्छा। पंच महापुरुष को यदि आप विस्तार में समझना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पंच महापुरुष जो है राजयोग करके भी एक वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें डिटेल में समझाया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर भी इसका लिंक आ रहा है। तो चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह यदि उच्च का बैठा होगा तो ये विशेष राजयोग कारक ग्रह हो जाता है। देखिए लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जैसे मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में कर्क राशि है और बृहस्पति देव यहाँ बैठे हुए हैं तो ये एक अच्छा राजयोग हो गया है, लेकिन हमें चतुर्थ भाव का जो स्वामी है उसको भी देख लेना है, कहीं वो नीच का तो नहीं है, उसकी क्या स्थिति है। अब यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी कौन हो गए, चंद्रमा हो गए, तो चंद्रमा हमें देख लेना है कि कहीं नीच के तो नहीं है या कहीं त्रिक भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में या बारहवें भाव में तो नहीं बैठे हैं या तीसरे भाव में तो नहीं बैठे हैं, संघर्ष बढ़ा देंगे। यदि चतुर्थ भाव में कोई ग्रह जो उच्च का होकर के बैठा हुआ है उसका स्वामी भी, यानी कि बृहस्पति देव यहाँ उच्च के होकर के बैठे हुए हैं तो चार नंबर राशि में कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो चंद्रमा की स्थिति यदि केंद्र में कहीं है या त्रिकोण में कहीं है या एकादश में है या द्वितीय भाव में है तो ये बहुत अच्छा और शुभ संयोग होगा। लेकिन देखिए एक बात है, द्वितीय भाव में यदि होंगे तो यहाँ पर ये उच्च के हो जाएंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा ये संयोग हो जाएगा, विशेष राजयोग ये हो जाएगा। तो चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह उच्च का बैठा होगा तो ये बहुत ही शुभ संयोग है। चतुर्थ भाव में जो ग्रह उच्च का बैठा हुआ है, जिस राशि में उच्च का होकर के बैठा हुआ है, उसके स्वामी को भी हमें देख लेना है, उसकी स्थिति भी अच्छी है तो ये सोने पे सुहागा हो गया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर ये राजयोग है। इसके अलावा दूसरा उपाय, दूसरा योग क्या है, माफ कीजिए, दूसरा योग क्या है, देखिए चतुर्थ भाव में यदि शुक्र या चंद्रमा की राशि हो, जैसे चंद्रमा की राशि कौन सी होती है, चार नंबर, यदि चौथे भाव में चार नंबर लिखा हो और शुक्र की कौन कौन सी राशि होती है, वृषभ और तुला, यानी दो नंबर लिखा हो या सात नंबर लिखा हो, चतुर्थ भाव में या तो चंद्रमा की राशि हो या शुक्र की राशि हो, इसके साथ ही चंद्रमा और शुक्र दोनों ही जन्म पत्रिका में कहीं भी साथ में बैठे होंगे तो यह विशेष राजयोग कारक स्थिति हो गई है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में एक से अधिक गाड़ियां लेकर के आता है, लग्जरी कंफर्ट के साथ अपना जीवन जीता है, एक से अधिक उसके मकान भी हो सकते हैं। चतुर्थ भाव में कर्क राशि हो या वृषभ राशि हो या तुला राशि हो और शुक्र और चंद्रमा जन्म पत्रिका में किन्हीं भी केंद्र या त्रिकोण के भाव में बैठे होंगे तो यह बहुत ही उत्तम संयोग हो गया है। लेकिन देखिए शुक्र और चंद्रमा में से दोनों में से कोई भी ग्रह नीच के नहीं होने चाहिए, नीच के होंगे तो वो अशुभ फल भी दे सकते हैं, फिर आपको बहुत कड़ी मेहनत कराएंगे गाड़ी घोड़ा लेने में और हो सकता है वो आपको सूट भी ना करे। ग्रह नीच के नहीं होने चाहिए, मैं जो भी आपको योग बता रहा हूं वो योग बताने वाले ग्रह जन्म पत्रिका में नीच के नहीं होने चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, उनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, युवावस्था की डिग्री होगी तो बहुत अच्छा, पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, साथ में पापी ग्रह बैठे होंगे तो भी परेशानी, मान लीजिए शुक्र और चंद्रमा कहीं बैठे हुए हैं साथ में और ये राजयोग भी बन रहा है और सूर्यदेव से यदि दोनों में से कोई भी ग्रहस्थ हो जाएंगे तो भी ठीक नहीं है, डिग्री भी देख लेनी है, या पापी ग्रह भी साथ में बैठे होंगे तो भी परेशानी है, विघ्न आता है, रुकावटें आती है। इसके अलावा यदि चतुर्थ भाव में कर्क राशि हो, वृषभ राशि हो और तुला राशि हो और यदि शुक्र और चंद्रमा का आपस में दृष्टि संबंध किसी भी प्रकार से बन रहा हो, केंद्र या त्रिकोण में कहीं बैठे हैं या एकादश भाव में है या द्वितीय भाव में है, दृष्टि संबंध भी यदि सूर्य शुक्र और चंद्रमा का यदि बन रहा होगा
तो भी यह अपने आप में बहुत ही शुभ संयोग होगा, बहुत ही अच्छा योग है। लेकिन दोनों में से कोई भी ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये देखना जरूर आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा अगला योग क्या है, देखिए लग्नेश यानी कि प्रथम भाव के स्वामी और चतुर्थेश यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी और नवमेश यानी कि नवम भाव के स्वामी, इन तीनों ही भावों के स्वामी यदि कहीं भी केंद्र या त्रिकोण में बैठे होंगे तो यह अति उत्तम संयोग है। केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी होने चाहिए, बहुत उत्तम संयोग है। यदि केंद्र या त्रिकोण में नहीं है, एकादश भाव में है, बहुत अच्छा। द्वितीय भाव में है तो बहुत अच्छा। साथ में होना आवश्यक नहीं है, साथ में होगा तो यह तो बहुत ही विशेष राजयोग कारक हो जाएंगे, बहुत अच्छे फल देंगे अपने जीवन में। और कोई भी ग्रह अपने जो है पूर्ण फल कब दे पाता है, जब भी उसकी दशा अंतरदशा आती है तो वो अपने पूर्ण फल दे पाता है। यदि वो ग्रह अपनी जन्म कुंडली में मारक है, अशुभ स्थिति में है, तो पूर्ण बल से वो अशुभ फल देंगे। योग कारक है, अच्छे योग का वो ग्रह निर्माण कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे और बहुत सकारात्मक फल अपनी दशा अंतरदशा में देते हैं। यदि राजयोग कारक जो ग्रह है आपकी जन्म पत्रिका में, उसकी यदि दशा अंतरदशा आ गई तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। तो यहां पर लग्नेश, चतुर्थेश और नवमेश यदि कहीं भी जन्म पत्रिका में अलग अलग बैठे होंगे तो भी चलेगा, केंद्र में या त्रिकोण में बैठे होंगे, एकादश में बैठे होंगे, द्वितीय में बैठे होंगे, तो ये बहुत अच्छा राजयोग है। लेकिन शर्त यही है, नीच के नहीं होने चाहिए, सूर्यदेव से अस्त नहीं होने चाहिए, डिग्री उनकी ठीक होनी चाहिए। युवावस्था के होंगे तो बहुत अच्छा, बाल अवस्था और वृद्धावस्था के नहीं होने चाहिए। तो ये अपने आप में एक विशेष राजयोग होता है, क्योंकि लग्नेश यानी कि हमारा तन, ये हो गया हमारा शरीर, और ये चतुर्थ भाव हमारी सुख सुविधाएं हो गई, और हमारा भाग्य यानी कि भाग्य साथ जब होता है तो हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं, बहुत कुछ हमें मिल जाता है। हमारा शरीर को सुख सुविधाएं मिलेगी भाग्य से, हमारे शरीर को भाग्य से सुख सुविधाएं मिलेगी, बहुत अच्छा ये संयोग है। उम्मीद है मैं आपको बिल्कुल जो है सरलता से समझा पाया। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक और कमेंट अवश्य ही कर दीजिएगा, और इस एपिसोड से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको निश्चित ही उत्तर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।